नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष शर्मा। चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व बल्लेबाज और हाल ही में रिटायरमेंट लेने वाले अंबाती राइड उज्जल थी पॉलिटिक्स में एंट्री कर सकते हैं। जी हां, ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। आप सभी को पता है कि फाइनल में 19 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल सीएसके को पांचवी बार चैंपियन बनाने वाले राइडू ने हाल ही में संन्यास ले लिया था। उन्होंने फाइनल से पहले ही बता दिया था कि अब वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास ले रहे हैं। तो अब इसके बाद, संन्यास लेने के बाद, चेन्नई को चैंपियन बनाने के बाद वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से मिलते हैं, उनके साथ दो बार मुलाकात करते हैं और उसके बाद ये कयास लगाए जाते हैं कि वो पॉलिटिक्स में एंट्री कर सकते हैं। और खुद जगन मोहन रेड्डी खुद चाहते हैं कि इस बार रायडू इलेक्शन में उतरे और वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करें। आप सभी को पता है कि WSR जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, वो वहाँ से मुख्यमंत्री उसी पार्टी की में अंबाती रायडू को पॉलिटिक्स ज्वाइन कराना चाहते हैं। और जब से आईपीएल खत्म हुआ है दो बार अंबाती रायडू उनसे मिले हैं, यानी कि जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से दो बार मिले हैं। इसके बाद ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, अफवाह उड़ी जा रही है, या कहें कि कुछ तो सच्चाई है कि अंबाती रायडू पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। वैसे अभी की बात करें तो अंबाती रायडू अभी अमेरिका में होने वाली मेजर क्रिकेट लीग में खेलते हुए नजर आएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट से भले ही संन्यास ले लिया हो, आईपीएल में संन्यास ले लिया हो, लेकिन वो दुनिया भर की लीग्स अभी भी खेलने के लिए ओपन है और इसी का ये सबूत है कि वो अमेरिका जा रहे हैं लीग खेलने के लिए। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि रायडू को क्या इतनी जल्दी पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए, या आपको लगता है कि थोड़ा वक्त और क्रिकेट को देना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।